हाय एवरीवन, दिस इज रॉय फ्रॉम स्टूडियो 9। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7x4 टाइम सिग्नेचर के ऊपर का जो इंडियन काउंटर पार्ट है वो हम देखेंगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको प्रोग्राम करना है, ये सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी का जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है, आज हम लोग उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं 7x4 टाइम सिग्नेचर लेके। बहुत सारा रिक्वेस्ट मुझे मिला था इसके ऊपर, मैं और भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, एम्पल गिटार के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स आ रहा है बहुत जल्दी। तो जनरली दोस्तों, 7x4 इज मोर टुवर्ड्स द इंडियन टाइम सिग्नेचर, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक में इसका लगभग यूज होता ही नहीं है। कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो मैं पहले बता देता हूं आपको, इसका जो डेफिनेशंस है। 4x4 में मैंने आपको दिखाया था कि हम कैसे चार बिट्स को एक जगह पे क्लब कर रहे हैं, हम लोग सोच सकते हैं 1/4 × 4। ठीक उसी तरह से दोस्तों, 7x4 जो है, 7x4 को हम सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे आठ जो बिट्स हैं उसको एक साथ क्लब कर रहे हैं। लेकिन इसको ऐसे समझना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा एग्जांपल के साथ हम लोग को समझना पड़ेगा। एग्जांपल देने के पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप देखिए नोटेशन सिस्टम में 3x4 है, यहाँ पे बहुत सारे टाइम सिग्नेचर है लेकिन 7x4 नहीं है, 7x8 है। वैसे हम लोग क्रिएट टाइम सिग्नेचर कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे 7x4 कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे 7x4 कर लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिट्स जो है, दीज आर द 1/4 नोट, दीज आर कॉल्ड बिट्स, राइट। तो बिट्स जो है आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ साथ ही यहाँ पे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। वापस अगर मैं ऐड करना चाहूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने 1/4 नोट लिया और इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहा, बस इसके बाद मैं नहीं ऐड कर सकता। सो दैट इज द 7x4 इन द नोटेशन। अभी अगर हम डॉ में जाते हैं, जो FL स्टूडियो है हम लोग का डॉ, या फिर कोई भी डॉ में आप जा सकते, तो यहाँ पे आपको सेम तरह से जाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट जनरल सेटिंग्स में यहाँ पे 3x4 ऊपर का और नीचे का आप चेंज करके इसको 7x4 कर सकते हैं। 7x4 अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा चैनल रैक था ये लंबा हो जा रहा है, मतलब एक एक बिट को हम और चार 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 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो करीब 7x4 28 स्टेप्स यहाँ पे हो गया है। और इसका जो काउंट है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिनियरली सोचते हैं तो इसका जो मेन फील है ना रिदम का, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इसका आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। ये जो मेरा चैनल रैक था ये लंबा हो जा रहा है, मतलब एक एक बिट को हम और चार 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 स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो करीब 7x4 28 स्टेप्स यहाँ पे हो गया है। बहुत सारे गाने हैं इसमें, जैसे कि ये हौसला कैसे झुके, पियानो रोल में देखिए आप कि 1 से लेके 2 के बीच में अभी जो है 7 लाइंस हैं, उसमें छोटा छोटा और 4-4 स्टेप्स हैं, लेकिन जो लाइंस हैं वो 7 लाइंस हैं, क्योंकि दीज आर द 7/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं एक ड्रम लुक डिज़ाइन करने का जो कि मीनिंगफुल हो। ग्रूव मैंने डिजाइन किया है क्योंकि 7x4 का कोई ग्रूव ऐसे आपको शायद नहीं मिलेगा, तो ये कुछ सुनने में कुछ ऐसा है। इसके साथ इसका जो इंडियन काउंटर पार्ट है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको बोला जाता है रूपक। रूपक ताल क्या होता है कि 7 मात्रा होता है, पहला खाली होता है, फिर ताली ताली होता है, ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना, तो वो सुनने में कुछ ऐसा है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करके सुनाता हूँ आपको, के साथ अगर मैं वेस्टर्न रिदम जो है वो आपको सुनाऊं, और इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा गिटार प्ले करता हूँ तो ये सुनने में कुछ ऐसा लगेगा। बहुत सारे गाने हैं इसमें दोस्तों, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, पिया तो उसे नैना लागे रे। आप प्रोग्रामिंग करना चाहे, कोई भी मेलोडी इंस्ट्रूमेंट प्रोग्रामिंग करना चाहे, वो वैसे भी आप पियानो रोल में वैसे कर सकते हैं जैसे बाकी के टाइम पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा होना चाहिए।
अगर आपको ये रिदम्स के एलिमेंट्स पता है तो आप सुन के पता कर लेंगे कि 1 2 3 1 2 1 2 ऐसा अगर कहीं पे जा रहा है तो वो गाना 7/4 में है। ये टाइम सिग्नेचर जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करिए ये टाइम सिग्नेचर को। 7/4 जो टाइम सिग्नेचर है दोस्तों, इसमें मिट्टी की खुशबू है बिल्कुल, और ये खास करके हम लोगों का अपना टाइम सिग्नेचर है। अगर आपको मुझसे कर्स क्लासेस करना है, म्यूजिक प्रोडक्शन क्लासेस, तो डेफिनेटली आप मुझे मेल कर सकते हैं studio9kolkata@gmail.com पे। ये कोर्स करने के बाद आप घर में अच्छा खासा म्यूजिक ट्रैक बना सकते हैं, कवर सॉन्ग बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर।